प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पार्टियां अपना अपना दमखम अजमा रही हैं, अपने अपने मेनू के अनुसार जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं इटवा विधानसभा क्षेत्र के परसोहन पुल के पास में। यहां से जनता का रुझान जानेंगे कि जनता आखिर क्या चाहती है, किस पार्टी की सरकार बनाएगी और किस पार्टी को वो दरकिनार करेगी। हमारे साथ एक सम्मानित जनता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर आज के दौर में महंगाई, सड़क, इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारा नाम राजकुमार लाल श्रीवास्तव है और मैं परसोहन का हूँ प्रधान। ये चाहता हूँ कि ये जो गाय बछड़ू से छुट्टी मिले और कोई चीज़ नहीं कहा के। सड़कों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सड़क हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है, काम बहुत अच्छा है बीजेपी का, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई को लेकर के? महंगाई भी बहुत तेजी है, महंगाई के लिए कम करें योगी जी मोदी जी दोनों। तो इस बार किसकी सरकार कुछ हम ना गलत करना हम कहीं, यानी अभी आपने कोई निर्णय नहीं लिया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहिए। जी आपका नाम क्या है, कहाँ के निवासी? वोटर और बलरामपुर। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, अब इनसे जानते हैं कि इस 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के इनका क्या रुझान है, इन्होंने क्या मन बनाया है, किस प्रकार से महंगाई को लेकर के ये प्रक्रिया दे रहे हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवास? इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सबके तो सरकार सपा की कि बीजेपी की, किसकी सरकार? कि मोदी जी की। सबके बना फिर सबके मोदी हो गए, सबके बना फिर सरकार। महंगाई को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? अब का सब करत खाद है और क्या महंगाई है? महंगाई तो है ना हर चीज के, तो सब कुछ है। और जो गाय भैंस घूम रही हैं खेतों में उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बहुत ज्यादा परेशान सब है। हाँ वो तो खाते पीते हैं। तो किसकी सरकार बनने जा रही है, सपा बीजेपी, कुछ अपना बताइए, कुछ अभी मन बनाया आपने? चले कुछ संशय में है, बताना नहीं चाहते किसकी सरकार बनेगी, लेकिन महंगाई को लेकर के, सड़कों पर जो छुट्टा लावारिस गोवंश घूम रहे हैं इनको लेकर के ये अपनी परेशानियां दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ महंगाई का इनके ऊपर असर पड़ा है या फिर पहले जैसा सब चल रहा है। तो खाना नहीं खाया। क्या नाम है भैया आपका? महेश। घर कहाँ है? परसोन घाट। तो आप चाय का दुकान चलाते हैं, इस समय महंगाई को लेकर के कुछ कहेंगे? महंगाई तो बहुत, महंगाई से तो बहुत लोग परेशान हैं। तो महंगाई को लेकर के आपकी इस दुकान पर कुछ असर पड़ रहा है? हाँ हाँ, असर तो पड़ेगा, क्यों नहीं? लोगों की संख्या कम हो गई है पहले की अपेक्षा, कम। तो और कुछ, किसकी सरकार बनने जा रही है? सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगी हुई हैं। तो आपका हर जिसका जिसका भाग्य होगा जो बनेगा। अब सरकार के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ मन नहीं बनाया है। नहीं, नहीं। चलिए ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं इतने सारे लोग थे लेकिन किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया कि सरकार किसकी बनने जा रही है। मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के इनका क्या रुझान है, इन्होंने क्या मन बनाया है। क्या नाम है चाचा आपका? कौन सा गाँव? 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां तमाम प्रकार से गांव में पहुंच रही हैं, अपनी विशेषताओं को बता रही हैं। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, कुछ बताएंगे? हम दो बात कही थे, ज्यादा नहीं बोला। हाँ बताइए। या तो भाजपा सरकार बनेगी या तो जो है
अपन जोन है समझ बात। आप किसका चुनाव करने वाले हैं? आप किसका चुनाव करने वाले हैं? सपा की बीजेपी? हम तो बीजेपी कर। चलिए ठीक, तो महंगाई को लेकर के या फिर सड़कों को लेकर के छोटा पशुओं को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जैसा महंगाई तो बहुत ज्यादा है यह सरकार में, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। छोटा गौवंशी जो खेतों में सड़कों पर घूम रहे हैं, ये सड़क पर रोड पर घूम रहे हैं, बता दी कई बार दिया ना है असली जो है समाजवादी हो। चलिए अभी आपने कबूल किया, पहले बीजेपी को चाचा ने बताया अपने कार्य मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी की ही सरकार बनी ऐसा मैं चाहता हूँ। एक और वोटर जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रुझान है। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? तो 2022 का विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां गांव में पहुंच करके अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, तो ऐसे में आपने किसे जिताने का मन बनाया है, उनकी क्या विशेषताएं देख करके आप उनसे जुड़ रहे हैं? 300 रुपया किलो बताएं जो है क्या, लेकिन जो है अब सपा किसकी सरकार बनने जा रही है? अब सपा लोग कहाँ से सपा सरकार बनेगी? या तो बीजेपी में क्या कमियां है, बीजेपी का रही है स्वास्थ्य सुविधाओं में? बीजेपी में सबसे ज़्यादा कमी तो यह गऊ है, जो गऊ को छुड़वा दिए, छोटा पशु जो घूम रहे हैं, किसान का इतना नुकसान हो रहा है, किसान जो है इतना भर्ती लगा के खाद भूसा डाल के इतना महंगाई जुताई हो गया करके जो है रात भर रखा है तभी नहीं बचता है। महंगाई को लेकर के क्या कुछ करेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है भैया, महंगाई से तो एकदम तंग हो गए किसान। खेती से दिन जो है खेती खाली करते हैं, खेती से दिन तो किसान एकदम सतिन बढ़ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है, सड़कों का जाल बिछा रही है, कह रही है हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जनता हमारा साथ देगी, तो क्या बीजेपी जो कुछ कह रही है उसके बारे में कुछ कहेंगे? करत है तो ठीक करत है, बीजेपी जो कर रहा है, जो रोड बना रहा है और सब तमाम नियम निकाल रहा है और भी फायदा दे रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन किसान ज़्यादा बीजेपी से उठते हैं कि जो ये गऊ जो छुड़वाती हैं उनका व्यवस्था नहीं कर रहा है। व्यवस्था भी किया, रुपया भी दिया, लेकिन उस रुपया इसको जो जहाँ फिर रुपया आया उसको सब खा लिए और ठोकर के जो है तनख्वाह दे रहा है, तनख्वाह खा रहे हैं और जो है पशु गौशाला कहीं भी नहीं बना, पशुएं वैसे ही छूट कर चल रही हैं। अभी हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े, इन्होंने अपनी बातों को रखा, इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा परेशानी छुट्टा गौवंशियों से है, लाखों करोड़ों की लागत से गौशालाएँ बनाई गई लेकिन वो गौशाला केवल हाथी का दांत साबित हो रहे हैं, ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत महंगाई के साथ साथ छुट्टा गौवंश भी है। जुड़ चुके हैं, इनका 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रुझान है इनसे जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राम बनारस पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां गांव में पहुंच करके अपने मेनू अपने वादों को लेकर के जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, तो इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? 2022 में किसकी सरकार बनेगी और किस आधार पर बनेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को भूल गई, जो वादा किया था वो भूल गई, जैसे इन्होंने कहा था कि क्या नाम है कि हम कर्ज माफ करेंगे, याद है? नहीं याद है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। कर्ज नहीं माफ किया और करे बाद में इन्होंने भी कहा था, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सतीश द्विवेदी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि फसल का मुआवजा देंगे जो बाढ़ में गया है, वो भी उक्का करके गए हैं, नहीं दिए अभी तक, नहीं मिला अभी तक, नहीं मिला जी, इसको मिलना चाहिए। अब जहाँ तक जनता की रुझान क्या है, महंगाई को लेकर के और छोटा लावारिस गौवंशियों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार भुरमुन नीत की है, ये सख्त शासन करे, एक एक व्यक्ति का किसी के ऊपर कार्रवाई कर दे तो 20 आदमी पथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो सख्त नहीं, शासन सख्त और औरत को शर्म होना चाहिए। तो 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है, आप किसको वोट करेंगे?
अब सरकार किसकी बनेगी ये तो भविष्य गर्म में है, जहाँ तक संभावना है सपा की बनेगी। तो सपा में ऐसी क्या विशेषता आपने देखा कि सपा वोट करेंगे? सपा 102 108 ज़्यादा से इनके क्या नाम गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने इन्होंने खाली नंबर डायल बदल दिया है, दूसरा काम तो किया नहीं है। किए हैं हाँ बताते रहिए हैं तो काम इन्होंने नहीं किया है, वही पुराना काम को नया कर रहे हैं खाली, यानी पुलिस सेवा सपा ने। उसके बाद और सपा का क्या कुछ काम आपको आकर्षित कर रहा है वोट देने के लिए? हाई जो प्लान जो वो किए थे क्या नाम है उद्घाटन और शिलान्यास, उनमें वो नाम बदल करके अपना कर रहे हैं जी। जैसे बीजेपी कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज की लगातार सौगात दी जा रही है, सड़कों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है, विकास जितना बीजेपी ने किया है उतना किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया है, तो इस बारे में आपका क्या रुझान है? क्या ऐसा है? विकास तो 1947 से हो रहा है, सिफर से शिखर तक। लेकिन मानिए आपके जो स्थानीय मेरे विधायक जी हैं, मिनिस्टर जी हैं, मंत्री जी हैं, ये कहते हैं इटावा। क्या नाम है? मेरा नाम नहीं नहीं मंत्री जी का क्या नाम है? माननीय सतीश द्विवेदी। हाँ वो कहते हैं इटावा शून्य से शिखर तक, ये एक डिग्री कॉलेज के अलावा कौन सा काम किए हैं जिससे सिफर से? यहाँ तो माननीय माता प्रसाद पांडे तो उन्होंने बनवा दिया क्या नाम है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, जैसे कहना वो बनाए थे माननीय केशवदेव मालवीय बनवाए थे, बीएचयू को बनवाए थे, वैसे वो बनवा दिए। एक डिग्री कॉलेज बनवाने से क्या नाम है सिफर से शिखर तो हो जाएगा, उद्योग धंधों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कैसे अपने लड़कों को वहाँ पढ़ाएंगे? जब तो पैसा नहीं रहेगा कैसे पढ़ाएंगे वहाँ? मंत्री जी का तो कहना है कि दो दो नगर पंचायत हमने दिया बिस्को हर नगर पंचायत ग्राम पंचायत से नगर पंचायत कर दिए, ये ठीक बात है। इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ क्यों कर दिए ठीक कर दिए, तो मैनोफेस्टो में है मतलब कर दिए। नगर पंचायत रहता चाहे ग्राम सभा रहता विकास दोनों में होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, ये कोई नहीं। यहाँ उद्योग बनवाना मस्ट है जी जी, इससे रोजगार के कुछ माध्यम बढ़े उससे हमारे लड़के डिग्री कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अब मेरे पैसे नहीं रहेगा तो नाम कैसे लिखवाएंगे? चलिए ठीक है चाचा, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि चाचा ने बताया कि बीजेपी सरकार अपने वादों से मुकर जाती है, जैसे कई बातों को इन्होंने रखा और सपा को इन्होंने प्राथमिकता दी। ऐसे में इनका कहना है कि सपा की सरकार बनेगी और सपा के शासनकाल में जो विकास हुए थे वो बीजेपी सरकार फीता काटने का काम कर रही है। वहीं पर इटावा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के चाचा का कहना है कि यहाँ औद्योगिक संस्थाएं आनी चाहिए, औद्योगिक स्थल यहाँ बनना चाहिए जिससे क्षेत्रवासियों को रोजगार मिल सके। इन तमाम पढ़ाई भी लोगों का व्यवस्थित ढंग से चल सके, ये तमाम चीज़ें थी। हमारे साथ एक और वोटर जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानेंगे कि इटावा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सपा बसपा किसकी सरकार बनने जा रही है और जिसकी भी सरकार बनने जा रही है उस सरकार की क्या विशेषता है? जी आपका नाम? हमारा नाम अजय पांडे है और निश्चय ही इस बार भी बीजेपी की सरकार बनी है और माननीय योगी जी का जो सपना है 350 का पार निश्चय कितनी बार पार होगा, क्योंकि पिछले बार ने हमने करके दिखाया है अच्छे से। इस बार भी भाजपा की सरकार बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है। तो क्या कुछ बीजेपी की विशेषताएँ हैं बताना चाहेंगे? बीजेपी की तमाम विशेषताएँ हैं। इटावा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ? प्रदेश से लेकर इटावा तक विकास की गंगा बह रही है। हमारे इटावा विधानसभा 305 के विधायक आदरणीय डॉक्टर त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने अपने स्वर्णिम 4.5 वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम किया है। जैसे इटावा नगर पंचायत हुआ, बिस्कोहर नगर पंचायत हुआ, ITI कॉलेज बनवाया आपने, बिस्कोहर एक राजकीय डिग्री कॉलेज बन रहा है, रोडों की विशेषता बन गई है, पशु अस्पताल बन गया है। माननीय विधायक जी ने इतना काम किया है कि पूर्व की सरकारों को अगर देखा जाए तो देश आज़ादी से अब तक का जो कार्यकाल है उस पर ये 4.5 साल भारी रहेगा जी। जैसे महंगाई और सड़कों पर खेतों में छुट्टा गौवंश घूम रहे हैं उनको लेकर के आप क्या करेंगे? माननीय योगी जी की सरकार
बहुत गंभीरता से छुट्टा पशु को लेकर कार्य कर रही है। अभी हमारे नगर पंचायत बिस्कोहर में फूलपुर राजा में 1.5 करोड़ का एक गौशाला प्रस्तावित है। यहाँ पिरारी इतवा विधानसभा जब जाते हैं इतवा की तरफ तो पिरारी में भी एक गौशाला प्रस्तावित है, जिस पे विधानसभा चुनाव के पूर्व ही सारे काम किए जाएंगे। बहुत अच्छे स्तर पे बनने जा रहा है और ये बहुत व्यापक समस्या थी, इतनी आसानी से नहीं था। सारे लोगों ने अपने पशुओं को छोड़ दिया, व्यवस्था कर रही है, जिसका कोई नहीं है उसका माननीय योगी जी उसके लिए बहुत विशेष काम कर रहे हैं। महंगाई देखिए, जब आबादी बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी और पैदावार कम होगी तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। मैं अपने ज़माने में मुंबई गया हूँ तो जब मेरी तनख्वाह 10,000 थी उस ज़माने में, जो चीज़ आज महंगी लग रही है उस हिसाब से देखा जाएगा तो महंगाई के साथ जब मैं 10,000 कमाता था तभी मेरा परिवार उसी स्टैंडर्ड में रहता था जिस स्टैंडर्ड में मैं आज रह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं 30,000 कमाता हूँ। मुश्किल से 4-5 साल का ही फासला है, बहुत फासला नहीं है महोदय जी। जैसे देखा जाए इटवा विधायक व प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी द्वारा 2 नगर पंचायत का सौगात दिया गया, बिस्कोहर और इटवा जी। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये सपा सरकार के कार्यकाल का था, तो इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, अब इनके पास कुछ रह नहीं गया है। जितने भी काम माननीय ये कह रहे हैं कि ये हमने पूर्व में कर दिया था, ये रह गया था फाइलों में, हम करवा रहे थे, हो जाएगा, कर दिया। जो करना चाहता है, जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, वो ऐसे जैसे डॉक्टर सतीश द्विवेदी करके दिखा रहे हैं, काम धरातल पे दिख रहा है, रोड बन रही है, विद्यालय बन रहे हैं, काम हो रहा है, इस तरह कर देना चाहिए था। क्यों फाइलों में अटका रहा अभी तक? 75 से लेके अभी तक बिस्कोहर नगर पंचायत हम लोग मांग रहे थे, हमारे बाप दादाओं ने मांगा और हम लोगों ने भी मांगा। आज डॉक्टर से धीरे धीरे कहीं कार्यकाल में क्यों, इसके पूर्व कर देना चाहिए था। इससे बिस्कोहर में एक बिजली कांड हुआ था, तो उस बिजली कांड को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? लोगों का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है सपा के कार्यकाल का, तो बीजेपी के शासनकाल में उस बिस्कोहर क्षेत्र में जो बिजली कांड हुआ था उस पर कुछ आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, वो बहुत ही भयानक समय था, मैं उस समय मौजूद भी था, मैं भी भागा हुआ आदमी, मैंने भी अपना सम्मान बचाया, क्योंकि उस समय बहुत ही निरंकुश शासनकाल था, किसी के ऊपर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। बिजली मांगने पे मुकदमा लिखा जाएगा ऐसा मैंने पढ़ा था, तो बिजली फरमान होता हुआ करता था। कौन विधायक थे यहाँ पर? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी का कार्यकाल था उस समय। बहुत भयानक स्थिति हो गई थी, बिजली मांगने पे 23 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा, कहने में खराब लग रहा है, सुनने में खराब लग रहा है, लोगों ने करवाया कैसे होगा, किन परिस्थितियों में करवाया होगा, किन विचारधाराओं को मानने के बाद कराया होगा, ये हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही खराब समय था और उसका फल जनता ने दे भी दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने देखा, एक वोटर हमारे साथ जुड़े थे इटवा विधानसभा क्षेत्र से, इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार फिर यूपी में बनेगी और इटवा विधानसभा क्षेत्र में पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मतों से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी विजयी होंगे। हमारे साथ एक और वोटर मौजूद है। 2000 जैसा कि आपको बता दें, 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टियां अपने दमखम से अपने मेनू के अनुसार जनता को उनका मन जीतने के लिए लगी हुई है। जनता का वोट पाने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं इटवा विधानसभा क्षेत्र के बिस्कोहर में, यहाँ पर जानते हैं कि जनता का क्या कुछ रुझान है, किसको ये किस बार सरकार बनाएंगी और किसे इस बार दरकिनार करेंगी। हमारे साथ ये वोटर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका जी? हमारा नाम एजाज अहमद है, नगर पंचायत बिस्कोहर का रहने वाला हूँ। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है जी? इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी, क्योंकि अगली बार जो चुनाव हुआ था 2017 से लेकर 2022 तक, इस बीच में जो भी कार्य हुआ है, भाजपा की जो गवर्नमेंट थी वो एकदम से नाकाम हो गई। अब की बार यहाँ की जो जनता है, आवाम है, वो चाहती है कि अब की बार अखिलेश जीतने वाला है। और तो भाजपा ने भी तमाम काम किए हैं, पहले मेडिकल के क्षेत्र में,
सिद्धार्थनगर के लिए मेडिकल कॉलेज की सौगात दे करके गए हैं। सड़कों को हाईवे से जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। तमाम ऐसे विकास के दावे जन बीजेपी कर रही है, तो सपा को चुनने का क्या मकसद है और बीजेपी को दरकिनार करने का क्या मकसद है? देखिए, बीजेपी का जो रवैया है वो एकदम से नाकाबिल है। वो काम जिस तरह से कर रही है तो किसी को नहीं पसंद है, और समाजवादी सरकार जो इससे पहले जो भी काम की है उसका भी सभी लोगों को सामने सब लोग उसको देखते हैं कि किस तरह से काम किए हैं, पूरा रोड से लेकर और ये हमारे यहाँ पुल जो है हमारे माननीय माता प्रसाद पांडे जी का दिया हुआ है, और इजवा में जो है डिग्री कॉलेज उन्हीं का बनवाया हुआ है, और इससे पहले इसको हर जो है ग्रामीण में था, इसको नगर पंचायत करने का कार्य माननीय माता प्रसाद जी का ही था। भाजपा विधायक और प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के प्रयास से दो दो नगर पंचायत इटवा और बिस्कुहर को सौगात मिला, तो विकास का काम तो बीजेपी में भी हुआ है, तो इसको लेकर के आप क्या? जी देखिए, इससे पहले जो हमारे स्पीकर साहब थे माननीय माता प्रसाद पांडे, वो इसका प्रस्ताव दे दिए थे और जितने भी फाइलें थी वो सब रनिंग कर दी थी, और इसी में जो है आचार संहिता लग गया और ये फाइलें सब अपने अपने जगह पर पहुँच गई थी। इसीलिए जो है ये यहाँ के जो शिक्षा जैसे शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उनको इसको करना पड़ा, उनके इसका कोई हाथ नहीं। महंगाई और छुट्टा प्रवंशियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये महंगाई तो इतना चरम सीमा पे है कि गरीबों का जीवन अभी किसी तरह से लोग अपना जीवन जो है गुजार रहे हैं। क्या नाम है हमारा दुकान जो है जिसको हम बस स्टैंड के लिए जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, किस चीज़ का दुकान? जी हमारा इलेक्ट्रिक का दुकान है, और रोज़गार का मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हम लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं और कोई कस्टमर नहीं, ना ही कोई काम होता है। तो अब हम भाजपा सरकार में हम क्या कहें कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये सरकार महंगाई या किसी कारोबार के उस पर ध्यान नहीं दी है। ये महंगाई सिर्फ वो भी ध्यान दी है, जात पात पर ध्यान दी है, और इसके जितने कार्यकर्ता और जितने इसके लीडर हैं ये सब अपना जेब भरते अपने अपने घर पर बैठ गए हैं। अभी देखते रहे कि ख्याल आप कह रहे थे कि गाय का जो है मामला क्या है। देखिए, गाय जो है सभी यहाँ के किसान हैं, वही किसान गाय छोड़ देते हैं। अच्छा छोड़ते हैं तो गवर्नमेंट जो है इनका व्यवस्था अपने हिसाब से करना चाहिए, या जितना पैसा वो लगाती है उसका जांच करवाना चाहिए कि पैसा जाता कहाँ है। अभी यहाँ हमारे क्या नाम है कोड़ौरा से थोड़ा दूर आगे जो है एक गौशाला का हुआ, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया सब लोग खा गए, उसका कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ और पशुओं से वैसे घूम रही हैं। तो इस गवर्नमेंट को भी इसको ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो व्यापार जो है इतना ख़राब हो गया है, आर्थिक व्यवस्था इसको सुधारना चाहिए, जितने रोजगार जितने गरीब मजदूर थे उनका जो है थोड़ा सा मदद करना चाहिए, तभी तो सरकार बना पाएंगे। बीजेपी ने तो राशन भी दिया है कोरोना काल में, घर घर गरीबों को पहुंचाया है, तो मदद करने का काम उनका भी तो लगातार चल रहा है, वो इस चीज़ को बता रहे हैं, जनता के बीच में पहुँचा रहे हैं कि हमने मदद किया है, इस पर देखिए बीजेपी ने राशन दिया है तो ये तो खैर बहुत अच्छी बात है कि राशन दिया है, और राशन देने के साथ साथ में जो है अभी ऑनलाइन गाड़ी की चालान हो रही थी, उसी बीच में जिनको राशन मिला है वही गरीब आदमी अगर कहीं अपने बच्चों को या किसी को लेकर कहीं दवा लेने गया, रास्ते में अगर कहीं भी पुलिस गाड़ी रोक दी, हाथ देकर जो है पूछी उससे, तो सीधा उसको जो है उसके कैमरा उसके गाड़ी पे करके उसका चालान कर दिया। अभी 500 रुपये का राशन देकर 2000 रुपये का चालान कर दिया, तो फिर क्या फ़ायदा है राशन देने का, क्या मतलब है? और इससे पहले हमारे अखिलेश यादव जी थे तो वो भी राशन का कार्य किए थे, वो भी राशन दे रहे थे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे वोटर जुड़े, इन्होंने बताया कि इस बार वो सपा को वोट करेंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में महंगाई का ये मुद्दा बता रहे हैं, छुट्टा लवारिस गौवंशियों का मुद्दा बता रहे हैं जिसमें लोग परेशान हैं, ऐसे में सपा की ये सरकार बनाने के लिए इच्छुक। वहीं पर बात की जाए तो जनता अपना 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने मन को अपने मत को स्पष्ट कर रही है। सिद्धार्थनगर से प्राइम टीवी के लिए रवि प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।